हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी। होप यू ऑल आर गुड। और हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए, क्लास 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, S1 क्या गिवन है, आपके लिए लिख दिया है मैंने, टाइम ज़्यादा नहीं लेना। S1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स S2 है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज S3। और हमें प्रूव करना है दीज टू साइड्स आर इक्वल। राइट हैंड साइड से चलते हैं और देखिए, अभी प्रूव कर देते हैं, बिल्कुल आसान है, साथ रहेंगे, बिल्कुल थोड़े से समय में हो जाएगा काम। S3 इंटू 1 प्लस 8 S1, S3 की वैल्यू डाल दें, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 8, S1 का वैल्यू डाल दें, n प्लस 1 बाय 2। ये रिजल्ट्स तो आपको याद होंगे, याद नहीं होंगे तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम के रिजल्ट्स हैं और आपको याद रखने भी पड़ेंगे। तो ये आपके पास आ गया दोस्तों, 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 4, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर। और अंदर देखिए आप, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। अब 4n स्क्वायर प्लस, इसके देख, सारा काम हो चुका है हमारा, अब बस थोड़ी सी बात बची है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको इस स्टाइल में लिख दें, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट, इसको लिख दिया 2n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर। और मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दें तो अभी काम बन जाएगा आपका। आपको राइट साइड में देखिए क्या प्रूव करना है, 9 टाइम्स S2 स्क्वायर, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या लिख सकेंगे दोस्तों इसे, इसे लिख पाओगे आप 9 इंटू ब्रैकेट n बाय 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब 9, और यही तो है S2 स्क्वायर। देखिए आप, S2 क्या चीज़ है, यही है। तो ये आ गया आपका LHS, hence it is proved। तो देखिए आप, थोड़ा आसान था, दिखने में ज़रूर अलग था, लेकिन आपने आसानी से कर दिया। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।